हे गाइस, वेलकम टू स्पार्टन शो। आई होप गाइस सब अच्छे होंगे। सो गाइस, रिसेंट बेसिस में मुझे बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि जो गन क्राफ्ट जो इवेंट चल रहा है, इसमें जो लास्ट वाला जो रिवॉर्ड है ये एक्चुअली में है कहाँ। मैं रिडीम तो कर चुका बट वो दिख नहीं रहा, और क्या वो एक्चुअल में रिडीम हुआ है भी कि नहीं, उससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ। बहुत सारा कमेंट आ रहा था, मैं तीन चार बंदे को कमेंट का रिप्लाई भी किया था, बट हर एक कमेंट को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दे रहा हूँ, जो आपका कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन्वेंट्री में वो वाला स्टिकर जो है, वो स्टिकर बोलते ना, एक बार देख लेता हूँ मैं उसको क्या बोलते हैं। हाँ, स्टिकर बोलते हैं। तो स्टिकर अगर हम लोग इन्वेंट्री में चेक करेंगे तो हम लोग को वो स्टिकर कहीं नहीं दिख रहा, केवल हम लोग को जो पेंट है जो मिला है वो वाला इवेंट से वो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रही है पेंट। और एक चीज़ में कन्फ्यूज़न बहुत लोगों का हो रहा था कि ये पेंट से जो ब्लू वाला पेंट हम लोग को मिला है अलग अलग इवेंट में, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं गन क्राफ्ट वर्कशॉप में। जी नहीं, दोनों पेंट अलग अलग काम का है, इसलिए दोनों का कलर भी अलग है, डिज़ाइन भी अलग है, दोनों सेम नहीं है। तो ये ब्लू वाला जो पेंट है केवल वेपन अपग्रेड के लिए भी काम आएगा, और वाइट वाला जो पेंट कैन है वो केवल वर्कशॉप में यूज़ होगा, जो कि आपने देखा वर्कशॉप मतलब गन क्राफ्ट फीचर में। दोनों पेंट का कलर काम अलग है, दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं करेगा, राइट। इसमें यूज़ में क्लिक करेंगे तो मेरा अभी फीचर एक्चुअल में आया नहीं, जैसे कि पता होगा मेन अकाउंट में, तो वन वीक के अंदर सबका आ जाएगा, जैसे कि आपका पता होगा। बहुत बार मैं वीडियो बना चुका हूँ और डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, तो उसके लिए हम लोग को सेकेंड आईडी में जाना होगा जहाँ वर्कशॉप जो फीचर वो एक्चुअल में अवेलेबल है। और मैं आपको इन्वेंटरी दिखा दिया, वो स्टिकर कहीं ना देखने को मिल रहा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अपना सेकेंड आईडी लाके, उसमें आपको पता चल जाएगा स्टिकर आपको कहाँ देखने को मिलेगा। ओके गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं लोग सेकेंड अकाउंट में आ चुके थे। एक्चुअल में ये अकाउंट में मैं उसको रिडीम नहीं किया हूँ, क्योंकि ये अकाउंट में मैं खेलता ही नहीं हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अभी बचा हुआ है रिडीम करना, 80 मेरे पास पॉइंट भी नहीं है। बट मैं आपको समझा सकता हूँ कि ये जो आपने रिडीम किया वो एक्चुअल में कहाँ है। तो वर्कशॉप में आपको क्लिक करना होगा, गन क्राफ्ट में क्लिक करना होगा। जो बंदे का अभी गन क्राफ्ट फीचर नहीं दिख रहा, जैसे कि मेरा मेन फीचर में मतलब मेन अकाउंट में नहीं दिख रहा, इसलिए आपको वो स्टिकर दिखेगा नहीं। बट जो जो बंदे का दिख रहा है, तो आपको सिंपली इधर टैप टू क्रिएट अ न्यू लेआउट में क्लिक करना होगा गन क्राफ्ट में। उसके बाद आप इसमें क्लिक करेंगे, इधर आप देख पा रहे हैं वो वाला जो स्टिकर है वो आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल मेरे पास वो स्टिकर अभी रिडीम नहीं है, तो इसलिए आप देख पा रहे हैं मुझे स्पिन करने के लिए बोल रहा, बट आपका एक स्टिकर रिडीम है तो इसलिए आपको स्पिन करने का ज़रूरत भी नहीं है, आपका ऑटोमेटिकली फ्री में लग जाएगा। अगर आप खुद से मॉडिफाई करेंगे स्किन को, तब अब ये जो स्टिकर, इसके लिए आपको कुछ भी रुपए पे नहीं करना पड़ेगा, ग्लू और पेंट भी पे नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपली इसको लगा सकते हो, वो पबजी की तरफ से फ्री है। तो जो आपका स्टिकर मिला वो केवल इधर ही शो करेगा, बट वर्कशॉप सबका अकाउंट में नहीं है, तो इसलिए बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो कोई टेंशन वाला बात नहीं, वर्कशॉप नहीं भी रहेगा, तो जब भी ये वर्कशॉप लॉन्च होगा एक हफ्ता के अंदर, तो आपको वो वाला स्टिकर ऑटोमेटिकली ये वाला जगह में देखने को मिलेगा, उसको आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी गन को मॉडिफाई करने के लिए। फिलहाल S12K ही लॉन्च होगा, उसका स्कारल में भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि S12K में आप ये चीज़ नहीं लगा सकते, तो आप स्कारल में भी शायद से लगा सकते हैं। अगर मैं एक कन्फ्यूज़न है उसको भी मैं अभी आपके सामने मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, इसमें लिखा हुआ S12K, शायद ये स्टिकर केवल S12K ही में लगेगा। तो ऐसे हो सकता है जब ये ऑफिशियली आ जाएगा तो हम लोग एक एक चीज़ देख लेंगे, दूसरा गन में भी ट्राई करेंगे वो स्टिकर को लगता है कि नहीं, क्योंकि इसमें मे भी S12K केवल लिखा हुआ वो वाला रिडीम शॉप में, तो मे भी S12K में ही लगेगा। बट हम लोग डेफिनेटली ट्राई करेंगे जब इसका दूसरा गन लॉन्च हो जाएगा गन क्राफ्ट सिस्टम में। तो जिन जिन लोगों का इन्वेंट्री में नहीं दिख रहा है गन क्राफ्ट फीचर नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं, आपका जो स्टिकर है वो सर्वर में सेव है। जैसे वर्कशॉप फीचर लॉन्च हो जाएगा तो आपका स्टिकर आपके वही जगह पे दिख जाएगा जो मैं आपको दिखा दिया। और जिन जिन मंडलों का वर्कशॉप ऑलरेडी अवेलेबल, तो आपको उधर दिख जाएगा, आप जाके क्रिएट कर सकते हैं और अपना स्किन बना सकते, राइट। तो गाइस, ये शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो था, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि वो आपका स्टिकर कहाँ रहता है, वो इन्वेंट्री में नहीं रहता, वो आपका वर्कशॉप के अंदर रहता है, और कहाँ से अप्लाई करना होगा वो भी मैं आपको दिखा दिया। और भी डिटेल में वीडियो आएगा जैसे ये ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा, और बहुत सारे इसमें और भी अलग अलग गन आएगा, तब हम लोग खुद एक गन बनाएंगे और आपके सामने एक गन को मैं परचेस करूंगा। बस S12K को मैं परचेस नहीं करूंगा, ऑलरेडी एक स्किन है। M4 आएगा तो तब हम लोग एक गन बनाएंगे, बट गन बनाने में पैसा नहीं लगता, वो आप बना सकते हैं, खरीदने में पैसा लगता है, राइट। तो हम लोग डेफिनेटली बनाएंगे जब ये ऑफिशियली लॉन्च होगा। तो अगर आपका वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, आपका जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो चुका होगा, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जो फ्रेंड का कन्फ्यूज़न है उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नया कि सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड, एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।